आज हम अर्थशास्त्र में कक्षा 11वीं संकाय कला एवं आज हम कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 27 भारत और इसके पड़ोसी देश के तुलनात्मक विकास का अनुभव करेंगे। अब इसलिए पड़ोसी देशों के साथ तुलनात्मक अनुभव करेंगे क्योंकि भारत, पाकिस्तान और चीन, ये लगभग एक ही समय में इन्होंने अपना विकास यात्रा प्रारंभ किया था, जिसमें हम देखेंगे कि विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय अपनाते थे और इसी उद्देश्य से वे अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों का निर्माण करते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सार्क, यूरोपियन संघ, ब्रिक्स, आसियान, G20, ब्रिक्स आदि थे जिन्होंने इसमें काम किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य किया। फिर हम देखेंगे विकास पथ एक चित्रांकन। विकास पथ मतलब हमने आपको बताया कि हम जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान जो है और चीन, इनकी विकासात्मक नीतियों में अनेक समानताएं हैं। तीनों राष्ट्र ने विकास पथ पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया है। ये हमने आपको भी बताए थे कि ये तीनों ने ही विकास पथ पर एक साथ चलना प्रारंभ किया। भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए थे, जबकि चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी। फिर हम देखेंगे कि तीनों देशों ने एक ही प्रकार की अपनी विकास नीतियां तैयार की। जो विकास नीतियां थी इन्होंने एक साथ शुरू किया, क्योंकि जो परिस्थितियां थी वो प्राय समान थी। इसी तरह से जैसे भारत ने जो है अपनी 1951-56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, पाकिस्तान ने भी 1956 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, और इसी प्रकार से जिसे मध्यकालीन विकास योजना भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है मध्यकालीन विकास योजना। चीन ने 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी। अब चीन जो है वह एक सबसे पहले हम चीन के बारे में देखेंगे, एक दलीय शासन, वहां पर एक ही दल का शासन है। इसके अंतर गणराज्य की जो स्थापना के बाद, जो गणराज्य की स्थापना हुई उसके बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जैसे क्षेत्रक, उद्यमी, भूमि, इस तरह के जो जिनका स्वामित्व और संचालन जो व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था उसको सरकारी नियंत्रण में लाया गया। उसके बाद उन्होंने 1998 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य था बड़े पैमाने में देश का औद्योगीकरण करना। मतलब इसके अंतर्गत था देश का औद्योगीकरण करना। अब इसमें हम देखेंगे कि जब उन्होंने औद्योगीकरण किया तो इसमें कृषक जो है वह नाराज हुए और कृषि आंदोलन भी चालू हुआ, क्योंकि छोटे छोटे किसान जो है उसमें बेरोजगार होने लगे थे, क्योंकि चीन जो था वह अपने औद्योगिक विकास के लिए मशीनों का उपयोग करने लगा था। अब देखेंगे पाकिस्तान ने जब अपनी विभिन्न जो आर्थिक नीतियां उन्होंने जो बनाई थी उन पर विचार करते हुए हम यह देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक समानताएं हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारे भारत का ही एक हिस्सा है, इसलिए बहुत सारी समानताएं इसमें हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है हमने विकास में भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में जो था सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के से अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अनुसरण किया गया था। इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल का अनुसरण किया, जो 50 और 60 के दशकों में अंत में पाकिस्तान ने अनेक प्रकार की जो नियंत्रित नीतियों का भी प्रारूप लागू किया गया था। उसी तरह से उद्योगों पर भी और उसके साथ साथ चुनिंदा जो क्षेत्र थे उन पर आधारित जो संरचना थी उसमें भी निवेशों में वृद्धि हुई। उसके फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भी अनंतोत्कत्व, मतलब जो खाद्यान्न फसल थे उसमें भी जिस तरह से भारत में हरित क्रांति हुई थी उसी तरह से वहाँ भी इनके उत्पादन में बहुत ही वृद्धि हुई थी। फिर कृषि भूमि जो संबंधित जो संरचना में भी नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ, जिसमें से 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। राष्ट्रीयकरण करने से ये हुआ कि जो निजी उद्योग थे
वो सरकार के कब्जे में आ गए और जो भी उत्पादन होगा, जो लाभ होगा, वह सरकार को प्राप्त होगा। फिर हम देखेंगे जनांकीय संकेत। अब इसमें जनांकीय संकेत क्या है, जो जनसंख्या है, वो सारी चीजें हैं, वो किस तरह से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हम विश्व की जनसंख्या का जब विचार करेंगे, विश्व की जो जनसंख्या है उस पर जब हम विचार करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा चीनी है। मतलब हम जो प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है, लेकिन यदि हम 6 व्यक्तियों में देखेंगे तो हर दूसरा व्यक्ति जो है चीनी होगा। फिर पाकिस्तान की जनसंख्या जो है बहुत ही कम है, और चीन या भारत जो है कि जनसंख्या लगभग 10वां भाग है। मतलब इस तरह से पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वह बहुत ही कम है। अब यहाँ पर जो जनांकीय संकेत है, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो भारत, चीन और पाकिस्तान, इनकी जो उस समय जनसंख्या कितनी है, 2018 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें 1352 था, और इनका था 1393, और पाकिस्तान का था 212। इस तरह से जनसंख्या जो वार्षिक वृद्धि हुई उसमें 1.003, फिर 0.46, 2.05, इस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई। और जनसंख्या घनत्व जा प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको हम लिंग, प्रजनन और नगरीकरण के आधार पे हम उसको अंतर कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद और क्षेत्रक के आधार पर। यहाँ पर हम देखेंगे चीन के बारे में विश्व बहुचर्चित एक मुद्दा है, जिसमें कि वह सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि है। चीन में सकल घरेलू उत्पाद जो है 22.5 ट्रिलियन विश्व में दूसरे स्थान पर है। मतलब अभी भी हम देखते हैं चीन जो है वह बहुत ही तेजी से विकास किया और उत्पादन भी किया। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर भारत जो है 1980 में 5.7 किया, और 2015 और 2017 में 7.3। उसी तरह से चीन का देखेंगे, चीन ने भी 10.3 और यहाँ पर 6.8, और यहाँ पर पाकिस्तान का देखेंगे 6.3 है, यहाँ पर 5.3 है। इस तरह से हम देखेंगे कि ये सारी आंकड़े जो हैं, यह जो है एशियाई विश्व बैंक एशिया पैसिफिक के सूचना के आधार पर है। फिर हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान है उसका सकल घरेलू उत्पाद ट्रिलियन डॉलर में, भारत की जीडीपी कुल घरेलू उत्पाद, फिर भारत के सकल घरेलू उत्पाद, चीन के सकल घरेलू उत्पाद, ये जो है 41% है। मतलब ये सकल घरेलू उत्पाद जो है यह 41% है। फिर भारत में भी कृषि का क्षेत्र जो है वो 40% है। 1980 के दशक में भी चीन का जो 80% से अधिक लोग जो थे वह कृषि के जैविका में ही लगे हुए थे। ये सब किस पे थे, कृषि पर निर्भर थे। फिर ये कार्य त्याग ने हस्तशिल्प वाणिज्य परिवहन, ये हस्तशिल्प वाणिज्य मतलब व्यापार परिवहन जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए उन्होंने उस समय प्रेरित किया, जिससे कि अत्यधिक विकास हो सके। उसके साथ साथ फिर जो 27% जो श्रमिक के साथ जो कृषि में लगे हुए थे, वो चीन ने सकल वर्धित मूल्य में 7% में से उनको योगदान दिया गया, जिससे कि हम अगली सारणी में उसको देखेंगे। फिर ये सारणी में हम देखेंगे कि कृषि उद्योग सेवा में इनका योगदान कैसा था। भारत का जो है कृषि में 16 है, उद्योग में 30 है, सेवा में 54 है, टोटल 100 है। फिर उस तरह चीन का देखेंगे 7 है, 41 है, 52 है, पाकिस्तान का 24, 1957 है। और कार्यबल जो उस कार्य में लगे हुए हैं उसे कार्यबल कहा गया है। उसके बाद देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन वार्षिक औसत प्रवृत्तियाँ, जो विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहा था उसमें वार्षिक औसत प्रवृत्तियाँ क्या थी, क्योंकि हम ये तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए दूसरे देश का भी देखना आवश्यक है कि वो किस क्षेत्र में कितना विकास कर रहा है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कृषि उद्योग और सेवा, वही चीज़ दी हुई है, कृषि उद्योग और सेवा ये 80-90 के दशक का है, ये 11 से 15 के दशक का है। तो भारत ने 3.1, इसमें 7.4, 6.9, फिर यहाँ पर उन्होंने विकास कृषि में नहीं हुआ, वह स्थिर था, यहाँ पर कम हो गया और यहाँ पर बढ़ गया। मतलब सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र हमने पिछली अध्याय में पढ़े हैं कि क्या होता है।
चीन ने भी वही 5.9 है। यहाँ पर कृषि में कम कर दिया क्योंकि उन्होंने औद्योगिकरण को अपना लिया था। फिर यहाँ उद्योग में 10.8 है, यहाँ पर 5.0, मतलब थोड़ा कम हुआ। फिर वैसे ही पाकिस्तान का है 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 7.7 है, यहाँ 4.8 है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करने से तीनों देशों में क्या अंतर है। फिर देखेंगे रोजगार एवं सकल वर्धित मूल्य। जब ये चार्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे भारत, चीन और पाकिस्तान, मतलब इन्होंने कौन से क्षेत्र में कितना विकास किया है। मानव विकास सूचकांक में भारत का है 0.647, इसका 0.758, पाकिस्तान का है 5.60। मतलब इस तरह से हर चीज़ में हम देखेंगे, रैंक में देखेंगे, जन्म के समय प्रत्याशा देखेंगे, जीवन प्रत्याशा वह है कि उस समय बच्चों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, मतलब वह कितना बच रहे हैं, मतलब मृत्यु और जन्म दर में अंतर। फिर विद्यालय में औसत वर्ष आयु, इसमें दिया हुआ है 15 वर्ष से ऊपर, मतलब ये दिया हुआ है। फिर प्रति व्यक्ति घर सकेल ऊपर, फिर घर गरीबी रेखा के नीचे लोगों का एक दिन में पीपर ये है। फिर शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों के अनुसार, मतलब 1000 व्यक्तियों में कितना है, 29.9, 7.4 और मतलब यहाँ पर यह हुआ कि मृत्यु दर जो है वह कम हुई है। फिर मातृत्व मृत्यु दर 1,00,000 जन्मों के अनुसार, तो यहाँ पर 1,00,000 में लिया गया है, 1,00,000 लोगों में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर आधारभूत स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या, यहाँ पर जो स्वच्छता सेवाओं में कितनी जनसंख्या जो है उसमें कार्य में लगी हुई है या उपयोग कर रही है। फिर आधारभूत पेयजलों के स्रोत की उपयोग करने वाली जनसंख्या। फिर कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या, मतलब इस तरह से हम इसको तुलनात्मक अध्ययन कर सकते। फिर देखेंगे मानव विकास संकेतक, मानव विकास कैसे करता है उसको हम कैसे देख सकते हैं। फिर हमने निचली कक्षाओं में भी मानव विकास के बारे में संकेत को महत्व पढ़ा, 10th में भी पढ़ा था कि संकेतक का महत्व और अनेक विकसित और विकासशील देशों की जो स्थिति होती है उसके विषय में पढ़ा है। और हम देखेंगे कि भारत, चीन और पाकिस्तान ने मानव विकास जो थे, भारत, चीन और पाकिस्तान ने मानव विकास के चुनिंदा संकेतकों को कैसे निष्पादन किया, मतलब जो मानव विकास के थे उसको कैसे विकास किया। फिर इसके बाद देखेंगे कि वे फिर गृह कार्य है तुम लोगों का, ये आप लोग नोट कर लेना और प्रश्नों का उत्तर लिखना है। वे समान विकासात्मक नीतियाँ कौन सी हैं जिनका कि भारत और पाकिस्तान ने अपने विकासात्मक पद के लिए पालन किया। फिर 1958 में प्रारंभ की गई चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए, मानव विकास के विभिन्न संकेतकों का उल्लेख कीजिए और पाकिस्तान में धीमी समृद्धि और पुनर्निर्धनता के कारण बताइए।